युवाओं को भविष्य के रोजगार के लिए तैयार करेंगे और भारत को दुनिया का टॉप स्टार्टअप नेशन बनाएंगे। साथियों, स्टार्टअप्स में ईसॉप्स को लेकर बजट में जो ऐलान हुआ है वो देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई ऊर्जा देगा। हमने स्टार्टअप में कर्मचारियों को दिए गए ईसॉप को 5 साल तक के लिए टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है। स्टार्टअप्स को टैक्स हॉलिडे से भी जुड़ी कई घोषणाएं बजट में की गई है। साथियों, इस बजट में इसका भी ध्यान रखा गया है कि मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर के हाथ में ज्यादा पैसे बचे। सरकार ने अब टैक्स की एक नई स्लैब का विकल्प दिया है। इस स्लैब सरल भी है और इसमें टैक्स बचाने के लिए कुछ खास योजनाओं में ही इन्वेस्टमेंट करने का दबाव भी नहीं है। इस स्लैब के तहत साल में 7.5 लाख तक कमाने वाले के लिए तो टैक्स सीधा 20% से घटकर 10% यानी आधा हो गया है। वहीं 15 लाख रुपए सालाना कमाने वाले व्यक्ति के लिए इस टैक्स सिस्टम में लगभग 80,000 रुपए तक की बचत संभव है। साथियों, हमारी सरकार देश के ईमानदार करदाता का हमेशा से सम्मान करती है। देश के विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब तक देश में ऐसी व्यवस्था रही है कि टैक्स से जुड़े कानून लाकर टैक्स पेयर को ये बताया जाता रहा कि आपको इस कानून का पालन करना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, लेकिन जो लोग इस कानूनों का पालन करवाते हैं, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, उनकी भी तो देश के टैक्स पेयर के प्रति कुछ जिम्मेदारी बनती है। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। अब हमारी सरकार टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स का दायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाने जा रही है, टैक्स पेयर चार्टर हम अब लाने वाले हैं। इस चार्टर के माध्यम से ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा की जाएगी। साथियों, इसके अलावा हम बैंकों को मजबूत कर रहे हैं। बैंकों की सेवाओं को देश के लिए, लोगों के लिए और सुविधाजनक बना रहे हैं। बैंकों में जमा आपके पैसे को अधिक सुरक्षा देने के लिए डिपॉजिट पर गारंटी को 1 लाख से सीधा बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। मध्यम वर्ग का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, सीनियर सिटीजन अपनी बचत के पैसे बैंक में जमा करता है, ब्याज का भरोसे गुजारा करता है और बैंक में कोई गड़बड़ हो जाए तो लोग बता देते हैं आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, अगर आपका 3 लाख है तो नहीं मिलेगा। हमने कानून बदल दिया है, 5 लाख रुपए तक वो पैसे लेने का हकदार बनेगा और वो पैसे मिलेंगे और इसके कारण अधिकतम डिपॉजिटर को सुरक्षा मिल जाएगी। साथियों, जीएसटी की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के जरूरत की लगभग 99% चीजों पर पहले ही टैक्स कम हो गया है। पहले औसत जीएसटी रेट 14.4% था, अब इसे और कम करते हुए 11.8% ले आया गया है। इस वजह से गरीबों के, मध्यम वर्ग के करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए सालाना बच रहे हैं। 2 लाख करोड़ रुपए जीएसटी ने व्यापारियों को भी अनेक तरह के टैक्सों के जाल से बचाया है। जीएसटी ने अनेकों चुंगियां, चेकपोस्ट,
खत्म कर दिए हैं। अब हरियाणा या यूपी सामान भेजना हो या वहां से मंगवाना हो, दिल्ली के व्यापारियों की दिक्कतें कम हुई हैं। अब तो फास्टैग भी आ गया है, जिससे आना जाना और आसान हुआ है। साथियों, कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल दिल्ली में भी और देश के भी सबसे बड़े एम्प्लॉयर में से एक है। बीते तीन दशक से मांग हो रही थी कि मैन मेड फाइबर का निर्माण भारत में हो, इसके लिए उसके रॉ मटेरियल के ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाए। इस बजट में ये बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया है। इसी तरह टेक्निकल टेक्सटाइल का लाभ भी दिल्ली के लोगों को मिलने वाला है। साथियों, उद्योग के विस्तार का और रोजगार के नए अवसर बनाने का सीधा संबंध आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनाया जाएगा। इसमें हाईवे बनेंगे, एक्सप्रेसवे होंगे, मेट्रो लाइन होगी, रैपिड इकोनॉमिक कॉरिडोर होंगे, वॉटरवेज होंगे, नए एयरपोर्ट होंगे। इस बजट में दिल्ली में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। दिल्ली मेरठ, दिल्ली गुड़गांव, अलवर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर हो या फिर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इससे दिल्ली को बहुत लाभ होगा। इससे उद्योग और रोजगार तो बढ़ेंगे ही, दिल्ली से होकर गुजरने वाली गाड़ियां भी और उसके कारण भीड़ भी कम होगी। साथियों, दिल्ली और देश के अन्य शहरों में प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए भी सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। इस साल के बजट में 4400 करोड़ रुपए शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए रखे गए हैं। साथियों, मिडिल क्लास और गरीबों को सस्ता और उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गई है। अब दिल्ली और देश के हर जिले में जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। इन दुकानों में डायबिटीज से लेकर दूसरी गंभीर बीमारियों की 2000 दवाइयां बाजार से बहुत सस्ते दामों पर मिलती है। साथियों, चाहे दवाइयां सस्ती करना हो, हार्ट के स्टेंट और नी रिप्लेसमेंट जैसे उपकरणों को बहुत सस्ता करना हो, या फिर जिला अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस कार्यक्रम हो, इससे हर साल हजारों रुपए की बचत गरीब और मध्यम वर्ग को हो रही है। लेकिन अफसोस, दिल्ली के लोगों के साथ स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय में भी राजनीति की गई है। यहां दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू ही नहीं होने दिया जा